बनिता, मीनाक्षी एंड सीता यामिनी। सबको गुड इवनिंग शुभ संध्या मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको ओके चलिए तो अभी तक पहुंचे हैं सिर्फ चार लोग बाकी नहीं आए हैं आज हम देखने वाले हैं हिंदी उपन्यासों में जो आपका ऐतिहासिक उपन्यास कर रहे हैं उनके बारे में ऐतिहासिक उपन्यासों में कोई ज्यादा नाम नहीं है देखना आपके पास सिंपली कुछ एक नाम ही है जो मुख्य मुख्य है जिनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है सबसे पहले पहल आपको इसमें याद रख लेना है वृंदावन लाल का नाम वृंदावन लाल वर्मा ठीक है इसके जो प्रमुख उपन्यास थे देखिए मृगनयनी था इसका महत्वपूर्ण उपन्यास देखना ठीक है और गढ़कुंडार ये आपने पढ़ा होगा ना ये भी इसका महत्वपूर्ण है झांसी की रानी इसने लिखा था और एक विराटा की पद्मिनी ये कुछ मुख्य उपन्यास है इनकी। की रानी इसके उपन्यास रहे हैं इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि वृंदावन लाल वर्मा को आपने देखना है इसके उपन्यासों को देखना है ये आप खुद से कीजिएगा ये काम क्योंकि यहाँ से कोई खास प्रश्न आपको नहीं बनेगा सिंपली अगर प्रश्न आएगा भी तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनेगा कि वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास जो है वो कौन कौन से रहे हैं और वृंदावन लाल वर्मा जो है वो किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं तो ये है ऐतिहासिक ऐतिहासिक उपन्यासकारों से हम क्या समझते हैं ऐसे लेखक जिन्होंने इतिहास की घटनाओं या इतिहास के प्रमुख शासकों या परिस्थितियों को लेकर के जिन्होंने उपन्यास लिखे उन्हें ही हम क्या कहते हैं ऐतिहासिक उपन्यासकार की संज्ञा देते हैं या फिर जिन्होंने पौराणिक आधारों पर भी लिखे हैं आप इनको ऐतिहासिक और पौराणिक उपन्यासकार भी कह सकते हैं ठीक है तो इसको आप याद रखिएगा इसके साथ ही साथ चतुर्सेन शास्त्री इसके भी कुछ एक जो उपन्यास हैं वो इतिहास पर आधारित हैं हालांकि चतुर्सेन शास्त्री को हम व्यक्तिवादी उपन्यासकारों में भी रख सकते हैं व्यक्तिवादी उपन्यासकारों में दो नाम हम डालेंगे देखना बाद में एक तो आपका चतुर्सेन शास्त्री को रखेंगे और दूसरा जो आपका भगवती चरण वर्मा है ठीक है लेकिन अभी आप ऐतिहासिक उपन्यासों में भी इसका नाम याद रख सकते हैं जिसमें वैशाली की नगर जो रही है देखना उसको देख सकते हैं आप इसमें महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जो रहे हैं ठीक है उन सभी का चरित्र चित्रण इसमें देखने को आपको मिलता है वैशाली की नगर वधु में ठीक है इसके साथ ही साथ इनका जो दूसरा उपन्यास आता देखना वो है सोमनाथ इसको भी आप याद रखिएगा और जो चालुक्य राजा राजाओं के ऊपर लिखा गया था चतुर्स शास्त्री का तीसरा इसका जो इंपॉर्टेंट उपन्यास रहा है ये था व्यम रक्षा मह ये आप सब लोग जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है इसका देखना जिसमें वेद हो गया आपका ब्राह्मण हो गया पुराण इत्यादि जो है इनके साथ जो मैसोपोटामिया की सभ्यता रही है ना आ, ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलती हैं इस उपन्यास में ठीक है तो तीन उपन्यास चतुर्सेन शास्त्री के क्या हैं इस प्रकार के उपन्यासों में आएंगे जो आपके ऐतिहासिक उपन्यासकार उपन्यास होंगे तो दूसरा नाम किसका हो जाएगा चतुर्सेन शास्त्री का ठीक है और तीसरा महत्वपूर्ण नाम है ये वैसे आपके पास यहाँ पर रांगे राघव हमने जो पिछले कल पढ़ा था देखने उसके कुछ ऐतिहासिक भी हैं कुछ इसने जो आपके हमने देखा था देखना था सामाजिक यथार्थ जीवन पर भी लिखे हैं और नगरीय बोध पर भी लिखा है तो इसको आप याद रख सकते हैं कि इसको भी आप वहां से ऐतिहासिक जो उपन्यासों को रख सकते हैं लेकिन इतना जरूरी ये नाम नहीं है ठीक है जिसमें मुर्दों का टीला चीबर ठीक है ये जो उपन्यास रहे हैं ये इसके कैसे थे ये थे इसके जो इतिहास पर आधारित रहे हैं ठीक है तो रांगी राघव को भी आप इसमें रख सकते हैं यशपाल हालांकि यशपाल से संबंधित कोई खास चीज इसमें नहीं आएगी उसको आप छोड़ दीजिए बाकी जो और नाम आता है देखना इसमें जो मुख्य नाम है वो है आपके पास जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में ही हम आज जानेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो प्रमुख उपन्यास रहे हैं वो कौन कौन से थे लेकिन इनमें से हमारे काम का और हमारे पाठ्यक्रम में जो शामिल है वो है बाण की आत्मकथा लेकिन इसके अलावा बाण की आत्मकथा के साथ साथ इन्होंने तीन और उपन्यास लिखे हैं क्योंकि कुल मिला जो इन्होंने चारो ही उपन्यास लिखे हैं तो सबसे पहले आता है बाण की आत्मकथा जो इन्होंने उन्नीस में लिखा था इसको याद रखिएगा दूसरे नंबर पर इन्होंने लिखा है चारू चंद्रलेख इसको याद रखिए चारू चंद्रलेख ये इन्होंने उन्नीस में लिखा था चारू चंद्रलेख के बाद इन्होंने पुनर्नवा उन्नीस में लिखा था पुनर्नवा उन्नीस और लास्ट इनका था अनामदास का पोथा तो अनामदास का पोथा इन्होंने लिखा था उन्नीस याद रखने की सिंपल ट्रिक देखिए यहाँ पर लास्ट में तीन आया यहां भी तीन आया पहले और आखिरी में लास्ट में क्या आ रहा है छह आ रहा है तो छियालीस से छिहत्तर तक इन्होंने लिखा उन्नीस में इनकी मृत्यु हुई थी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म वर्ष है वो उन्नीस है और इसकी मृत्यु जो है वो उन्नीस है ठीक है लिखना इन्होंने उपन्यास कब लिखे इन्होंने सबसे पहले इन्होंने उपन्यास बाट की आत्मकथा से लिखा उन्नीस में फिर बीस वर्ष बाद सॉरी हुए दस से मतलब आप यह मान के चले कि लगभग सत्रह साल बाद इन्होंने क्या किया है अगला उपन्यास लिखा ठीक है गुड इवनिंग धीरज कई दिनों बाद आए आप क्लास में आज ठीक है तो चारू चंद्र लेख उन्नीस ठीक इसके बाद पंद्रह दस साल बाद लिखा पंद्रह उन्नीस और लास्ट फिर से अनाम दास का उन्नीस सौ छिहत्तर उन्न ऐसे करके आप इसको याद रखिए और ये उपन्यास जो है कई बार आपको जो है क्रमानुसार लगाने के लिए पूछे जाते हैं देखना तब आपको दिक्कत आ सकती है इसलिए इनके उपन्यासों को आप पहले ही याद रख लें कि कौन कौन से उपन्यास इनके रहे हैं ठीक है इनमें से जो चारू चंद्रलेख है देखना उसके बारे में आप जानेंगे कि जो राजा सातवाहन रहे हैं देखना उज्जैनी के जो राजा थे सातवाहन ठीक है उनकी बात इसमें की गई है ठीक है उनके समय में जो सांस्कृतिक इतिहास है लिख लीजिए इसको चाहे क्योंकि ये मैंने यहां आप पर आपको लिखवाई नहीं है देखना चारू चंद्रलेख में क्या है सातवाहनों के सातवाहन जो शासक थे के समय की जो सांस्कृतिक इतिहास समय के सांस्कृतिक इतिहास का वर्णन इसमें मिलेगा ठीक है तो ये हो गया इसका चारू चंद्र लेख नामक जो दूसरा उपन्यास रहा है ठीक है उन्नीस का इसके अलावा तीसरे नंबर पर आता है देखना जो आपका पुनर्नवा नामक उपन्यास रहा अब पुनर्नवा में कौन सी चीज है इसको आप देखिएगा पुनर्नवा से आपको याद रख लेना है इसमें मध्यकालीन जो परिवेश रहा है उसमें जो नारी की जो शोषित रूप रहा नारी का ठीक है उसका चित्रण किया गया है याद रखना है नारी के शोषित रूप का चित्रण नारी के शोषित रूप का चित्रण कब का मध्यकाल में जो इसका शोषित रूप चित्रित हुआ है उसको आप इसमें याद रखेंगे ठीक है साथ ही साथ याद रख लेना है कि व्यवस्था का विरोध भी इस उपन्यास में इन्होंने किया है पुनर्नवा नामक उपन्यास में ठीक है व्यवस्था का विरोध ओके एंड साथ ही साथ आधुनिक आधुनिकता का बोध भी इसमें रख बताया गया है देखना जो ये वाला उपन्यास रहा और आखिरी जो उपन्यास था वो था अनामदास का पोथा इसमें जो रैकव मुनि है उसमें जो अपने जीवन की सार्थकता जनता की सेवा में वो देखते हैं सिंपल सी बात आपको ये याद रख लेनी है रैकव मुनि ठीक है जनसेवा इसने बोला कि जनसेवा ही इसके जीवन की सार्थकता है ठीक है रैकव मुनि की तो ये अनामदास के पोथा नामक उपन्यास की मूल विषय वस्तु रहेगी तो इस आधार पर इसके चारों उपन्यासों की जो मुख्य विषय वस्तुएं रही हैं वो आपको यही याद रख लेनी है इसके अलावा अगर आपको देखना है कि आधुनिक काल में कौन कौन से लेखक ऐसे रहे या यूं कहें कि समकालीन लेखकों में कौन कौन से लेखक ऐसे रहे जिन्होंने इतिहास परक उपन्यासों की रचना की है तो इसमें एक तो नाम याद रख लेना आपने प्रताप नारायण श्रीवास्तव जो पहले हमने पढ़ लिए देखना उनके अलावा है ये ठीक है इसका नाम याद रख सकते हैं आप प्रताप नारायण श्रीवास्तव एक हो गया दूसरे नंबर पर आपको याद रख लेना है आनंद प्रकाश जैन ये नाम भी इंपॉर्टेंट है आपके ऐतिहासिक उपन्यासों में ठीक है उपन्यासकारों में नरेंद्र कोहली का नाम आपने याद रख लेना है ठीक हो गया तो नरेंद्र कोहली भी इसमें आ जाएगा देखना एंड ये हो गए तीन और इसका नरेंद्र कोहली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास था दीक्षा दीक्षा ये पूछा गया है अभिज्ञान इसने लिखा था प्रत्यक्ष इसने लिखा है देखना ऐसे कुछ इसके उपन्यास रहे हैं ठीक है बंधन भी इसने लिखा था नरेंद्र कोहली का बाकी इसके अलावा अन्यथा शिव प्रसाद सिंह नीला चांद आपने जरूर पढ़ा होगा सुना होगा ठीक है इसको याद रख लेना है शिव प्रसाद सिंह ठीक है शिव प्रसाद सिंह को भी याद रखिएगा एंड बच्चन सिंह हालांकि बच्चन सिंह जो है एक साहित्य इतिहासकार ज्यादा जरूरी है लेकिन अगर आपको कभी कभार ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया कि जो आपके शिव प्रसाद सिंह रहे हैं ये किस प्रकार के उपन्यासकार हैं तो आपको सिंपली याद रख लेना है कि शिव प्रसाद सिंह जो है ये आ, मतलब आपके अः किस प्रकार के रहेंगे शिव प्रसाद सिंह सॉरी बच्चन सिंह ये भी ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी में आएंगे इन्होंने पांचाली लिखा था ठीक है खबर की औकात शीर्ष शीर्षक से इसने कुछ एक उपन्यास लिखा मतलब अपना एक हालांकि इसके जो उपन्यास रहे हैं देखना वो दो के बाद के ही गई है लेकिन मतलब हमें पाठ्यक्रम में जो शामिल है वो 2000 तक के ही उपन्यास हैं इसलिए बच्चन सिंह को यहां पर याद रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी ठीक है तो इसने उपन्यासों की थी अपने उपन्यासों की 2001 में लिखा था इसने ये इस शीर्षक से एक उपन्यास ओके तो आपको याद नहीं रखना है चलिए ये तो बात होगी जो जो भी आपके ऐतिहासिक उपन्यासकार थे जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत चीजें याद रखनी है है ना लेकिन इसके साथ साथ आपको जो मुख्य रूप से याद रखना है वो है आपका बाण भट्ट की आत्मकथा जो हमारा आज का मुख्य विषय है जिसके बारे में आपको डिटेल से सारी की सारी चीजें जाननी है तो चलिए इस उपन्यास के बारे में हम शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं बाण भट्ट की आत्मकथा तो बाण भट्ट की आत्मकथा लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी रचना वर्ष उन्नीस में था देखना इसका अगर हम बात करें कि इसको किस शैली में लिखा गया था तो आत्म आत्मकथात्मक शैली में ही इस उपन्यास की रचना हुई है यानी कि यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि एक आत्मकथा के तौर पर ही जो है इस उपन्यास को लिखा गया है ठीक है यहाँ पर जो पूरा का पूरा कथानक है देखना इस उपन्यास का वो किसके इर्द गिर्द घूमता है यानी कि बाण भट्ट की जो क्रियाकलाप है ठीक है उनसे ही वो शुरू होता है है ना और इसमें बाणभट्ट का ही कथन पहले से आता है देखना कि वो अपने बारे में बताता है कि वो किस वंश में रहा बात साइन वंश में उसका जो जन्म हुआ ठीक है एंड साथ ही साथ आपको याद रख लेनी है कि उसको शुरुआत में क्या है बंड नाम से जाना जाता था ठीक है बंड होता मतलब जो मतलब आपका पूंछ मतलब पूंछ कटा बैल जो होता है उसको बंड कहा जाता है ठीक है तो बाण इसने अपना संस्कृत में नाम रखा था जबकि मगध की भाषा में जो है मगध की बोली जिसको हम कहते हैं उसमें जो है बंड किसको बोला जाता है किसकी पूंछ जो है वो काट दी जाती है इस तरीके का जो बैल होता है ठीक है तो लोग जो है इसको बंड कहने लग गए थे और इसी चीज को बाद में इसने जो है वो संस्कृत में क्या कर दिया था संस्कृत में बाण बनाया था ठीक है तो ये बात आपको याद रख लेना है है ना और कुछ इज्जत बढ़ा ली थी ये बात इसने स्वयं बताई थी कि वैसे मुझे इस तरीके का बैल कह के पुकारा जाता था तो मैंने इसको बाण द्वारा संस्कृत का जो शब्द अपने लिए प्रस्तुत किया और फिर अपने नाम की भी कुछ इज्जत बढ़ा ली थी ठीक है और भट्ट जो है बाण के साथ भट्ट जो है वो बाद में ये कह रहा है कि लोगों ने ही जोड़ा था ठीक है तो ये बात यहाँ पर इसने याद रखनी है आपको और मूल नाम अगर इसका पूछा जाए आपको कि इसका जो अः असली नाम इसका क्या था तो असली नाम बाण का दक्ष था ये सारा का सारा इसमें क्या बताया गया है बिल्कुल इसके प्रारंभ में बताया गया है उपन्यास में ही ठीक है तो ये चीज आप यहाँ पर याद रखिएगा एंड साथ ही साथ याद रख लेना है आपको कि इसका जो अः ये उपन्यास रहा है मोटे तौर पर हम इसको तीन भागों में बांटते हैं देखना तीन भाग कौन कौन से हैं एक है इसका कथामुख एक है मूल कथा और एक है उपसहार कथामुख में आपको याद रख लेना है कि इसमें जो मिस कैथराइन है एक है ना उससे इसने परिचय करवाया है जो लेखक है ठीक है ये क्या है एक ऑस्ट्रिया की एक ईसाई परिवार की कन्या है जिसे द्विवेदी जी ने क्या बोला है कि ये हम इसको क्या कहते थे दीदी कहते थे यानी कि दादी ठीक है तो ये बात यहाँ पर शुरुआत में इसके जरिए ये कथा जो है वो मिल, देखने को मिलती है ठीक है इसको आपने याद रख लेना है और द्विवेदी जी ने इसको क्या किया इस कथा को नए सिरे से जो संपादित किया था जो मिस कैथराइन के द्वारा बताई गई थी तो शुरुआत में कैथराइन का इसमें जिक्र आता है बाद में जो है मूल मूल कथा में मतलब मेन जो बाण भट्ट की आत्मकथा है वो चलती है और लास्ट में इसका अंत होता है उपसहार के साथ ठीक है तो ये चीज याद रख लेनी है अगर हम बात करें कि इसमें अध्यायों को क्या नाम दिया गया है तो इसमें उच्च है आपको प्रश्न ऐसे करके पूछा जा सकता है देखना इससे पहले हमने परीक्षा गुरु पढ़ा तो परीक्षा गुरु में थे प्रकरण तो वहां पर 41 प्रकरण थे लेकिन यहाँ पर जो है अब अध्यायों को क्या नाम दिया गया है उच्छवास नाम दिया गया है तो इसमें से जो आपके प्रमुख कितने उच्छ्वास हैं इसमें कुल ये ट्वेंटी उच्छ्वास और अगर मूल कथा की अगर हम बात करें यानी कि स्टोरी को हम मुख्य रूप से बांटेंगे तो तीन भागों में इसके कथानक को हम देखते हैं अगर बात करते हैं कथा के आधार की वैसे मूल कथा का आधार जो है हर्षचरित जो बाणभट्ट की ये रचना रहेगी देखना हर्षचरित ठीक है इसको ही उपजीव ग्रंथ यानी कि आधारभूत ग्रंथ जो है वो माना गया है ठीक है जो आपका कौन सा रहेगा देखना इस ग्रंथ के आधार पर ही इस कथा का निर्माण किया गया है ये भी आपको कभी कभार पूछा जा सकता है हालांकि एक कॉमन सा प्रश्न है ऐसे प्रश्न आपको LTPGT में भले ही मिल जाएंगे लेकिन यूजीसी नेट में कम ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे हालांकि चार पांच पंक्तियों में आपको थोड़ा बहुत जो है वो ऐसे करके प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक कथन सही है कौन सा गलत है तो वहां पर ऐसी चीजें काम आती हैं इसलिए इनको बिल्कुल स्किप आपको नहीं करना है ठीक है तो ये बात हो गई अब हम इसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या रहा कि सातवीं शती के हर्षकालीन राजनीतिक परिस्थितियों एवं अराजकताओं का चित्रण इस उपन्यास में हुआ है देखिए किस समय की बात है इसमें इतिहास की सातवीं शती जब हर्ष का समय था ठीक है उस वक्त का जो यहाँ पर इस उपन्यास में क्या है चित्रण मिलता है इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये क्या रहा, आपका? उपन्यास रहा है लेकिन मतलब से निकला हुआ कि ऐसा हुआ था इतिहास में या पूर्व में ठीक है उन्नीस में विशाल भारत विशाल भारत को सिंगल इन्वॉर्टेड में लिखना कि विशाल भारत में यह धारावाहिक के रूप में भी प्रकाशित हो चुका था ये भी आपको याद रख लेना है कि इसका आरंभ जो है धारावाहिक के रूप में कब होना कब हो गया था शुरू 1943 में ही विशाल भारत के नाम से नाम से नहीं सॉरी विशाल भारत नामक पत्र में ठीक है तो ये बात भी याद रखिएगा जबकि 1946 में इसका जो है पूर्ण तरीके से क्या हुआ प्रकाशन हुआ था ये बात भी आप याद रखिएगा उपन्यास के आवरण पृष्ठ में यानी कि शुरुआत में ही आप क्या देखते हैं कि इसमें महावराह का चित्र है ये भी क्या है एक देवता है उपास्य देव है ये देखना जो किसके हैं निपुणिका और भटनी के उपास्य देव हैं तो इनकी इनका चित्र जो इसके शु, शुरुआत में ही देखना है आपको और यही जो है वो कथा के केंद्र में भी है और ऐसी चीजें आप देखते हैं जरूर कई बार पूछी जाती है देखना तो जो लोग अभी अभी परीक्षा में जा रहे हैं तो इन छोटी छोटी बातों को वो एक बार जरूर गौर कीजिएगा कई बार आपने देखा होगा कि भूमिका के में क्या चीज लिखी गई है उसको जरूर पढ़ना है आपको कुछ उपन्यासों में जैसे नई चाल की पुस्तक था आपका परीक्षा गुरु के लिए ठीक है वैसे इसमें क्या है इसमें ये पृष्ठ की बात कर रहा है कि चित्र है कि चित्र उसमें और यही इसके केंद्र में भी है और महाबराह की उपासना कौन करते हैं इसमें भट्टनी और निपुण निपुणिका करती है ठीक है तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा तो ये सामान्य सी चीज है जिसको आपको याद रख लेना है बाणभट्ट की आत्मकथा से जो हजारी प्रसाद द्विवेदी

कि इसमें कौन कौन सी कथाएं जो है वो मिलती हैं आपको वैसे मुख्य रूप से हमने तीन भागों में बांटा था ना अब यहां पर क्या है इसकी जो मेन कथा है जो मूल कथा थी इसकी देखना जो बीच में हमने हमने पढ़ा था पहले हमने देखा था कि इसमें कथा मुख्य है दूसरे में हमने देखा मूल कथा ठीक है मूल कथा को कितने भागों में बांटा गया है चार भागों में बाण भट्ट और निपुणिका की कथा इसमें आती है देखना ये प्रसंग इसमें आएगा आगे हम इसकी जो थोड़ी सी समीक्षा भी देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या है बाण भट्ट और भट्टिनी की कथा भी इसमें आती है देखना और तीसरे नंबर पर अघोर भैरव और महामाया जो अघोर भैरव और भैरवी थी ये महामाया देखना इनकी कथा का जिक्र भी आता है जो निपुणी और उसको उपदेश देते हैं बाण भट्ट को ठीक है तो ये जिक, इनका जिक्र भी आएगा और साथ साथ इसमें लास्ट में विरति वज्र और जो सुचरिता है इनका प्रसंग भी इसमें देखने को आपको मिलेगा तो इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं कि जो बाणभट्ट की आत्मकथा है इसमें क्या है चार प्रमुख कथाएं जो है वो चलती हैं ठीक है थीके? ये ध्यान रखनी है आपको देखना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला उपन्यास जो है जरूर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है लास्ट टाइम भी आप देखेंगे कि महामाया से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि महामाया किस उपन्यास की पात्र है वैसे आपको जब भी उपन्यासों से प्रश्न पूछा जाता है देखना वो पात्रों से संबंधित ही आता है आज तक मतलब ज्यादातर ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है लेकिन फिर भी अगर ऐसा घटनाओं से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो फिर आपको उन्हें भी याद रखना है ठीक है अब यहां पर डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन आता है देखना जो मोस्ट इंपोर्टेंट कथन हो सकता है ऐतिहासिकता है. है? की जगह क्या नाम दिया मिथक कहा है मिथक उपन्यास उनके अनुसार द्विवेदी जी हिंदी के अकेले मिथक उपन्यासकार हैं तो उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्या बोला कि ये अकेले मिथक उपन्यासकार है वे मिथकों के माध्यम से अतीत में छिपे था अतीत में पीछे हटकर सॉरी छिपे नहीं अतीत में पीछे हटकर अत्यंत वेग पूर्वक जड़ता पर आक्रमण करते हुए भविष्य का पुनर्निर्माण करते हैं तो यानी कि यहां पर कहने का अभिप्राय इनका क्या है कि इनके जरिए कि मिथकों के जरिए की जो पुरानी चीजें इतिहास में हो चुकी चीजें हैं ठीक है उन अतीत में या इतिहास में पीछे हटकर हुए क्या करते हैं अत्यंत वेग पूर्व मतलब तेजी के साथ जो जड़ता पर आक्रमण करते हैं है ना जड़ता का मतलब है जो पूरी पुरानी चीजें हैं और भविष्य के लिए एक नव निर्माण ये करते हैं पुनर्निर्माण करते हैं ये डॉक्टर बच्चन सिंह यहाँ पर कह रहे हैं तो हो सकता है ये वाला कथन आपको पूछा जाए इसलिए आप इस कथन को थोड़ा सा ध्यान से याद रखिएगा कि क्या क्या चीजें जो है इस मतलब उपन्यास के संदर्भ में बच्चन सिंह ने कही है याद रखना है है ना तो ये हो गया यहाँ पर कि इसमें कौन कौन सी कथाएं आती हैं चार इसमें मुख्य कथाएं हैं देखना इसके साथ साथ आपको याद रख लेना है कि बच्चन सिंह का इस उपन्यास को लेकर के क्या

सामाजिक विषमता की समस्या भी इसमें है और वैश्य जीवन से जुड़ी समस्याएं भी आपको इस उपन्यास में देखने को मिलेंगी ये वाला जो क्वेश्चन है आपको पूछा जा सकता है देखना कि इन समस्याओं में से कौन सी समस्या का संबंध या किस समस्या का संबंध जो है बाण भट्ट की आत्मकथा से है और किसका नहीं है तो आपको ये पांच छह समस्याएं जो है वो जरूर याद रखनी है इसमें देखना बाकी यहाँ पर और कोई एक्स्ट्रा बात आपको याद रखने की जरूरत नहीं है तो जो लोग अभी बिल्कुल पूरा का पूरा उपन्यास नहीं पढ़ पाएंगे ठीक है वो एटलीस्ट इस क्लास को एक बार जरूर देखिएगा और साथ साथ में आपको अपना जो उपन्यास है उसको जरूर साथ साथ में पढ़ते रहना है ठीक है जिस भी उपन्यास को पढ़ने का मौका आप लोगों को मिल रहा है उस उपन्यास को पढ़ा कीजिए छोटे उपन्यासों से शुरुआत करनी है और धीरे धीरे जब आपको आइडिया हो जाएगा तो बारह तेरह उपन्यास जो है आप इजीली पढ़ सकते हैं जो लोग दिसंबर के लिए तैयारियां कर रहे हैं या दिसंबर के लिए भी जिन्होंने सोचा है कि वहां तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा वो एटलीस्ट अपना एक दो या तीन दिन के अंदर अंदर किसी भी उपन्यास को पकड़िए और उसको समाप्त करने की कोशिश कीजिए कि तीन से पांच दिन में कैसे भी करके एक उपन्यास जो है वो पूरा का पूरा कवर करना है और जैसे ही आप एक उपन्यास को पढ़ते हैं देखना उसमें जहां जहां जब जब जो जो पात्र आता है उसको लिखते जाना है उसी जगह और उनकी जीवन उनके उनसे संबंधित कुछ अगर आपको वहां पर विशेषताएं मिलती हैं उनकी चारित्रिक विशेषताएं तो उनको भी आप उसी टाइम नोट डाउन कीजिएगा तभी ज्यादा अच्छा रहेगा और आपको अच्छे तरीके से समझ भी आएगा फिर ठीक है तो ये बात होगी यहाँ पर चित्रित समस्याओं की अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसका उद्देश्य क्या है तो यहाँ पर इसके कुछ एक उद्देश्य है देखना हर्षकालीन समाज का जो चित्र प्रस्तुत करना था यानी कि सातवीं क्षति के समाज से अवगत करवाना रहा प्रेम के उदात पक्ष का निरूपण इसमें बाणभट निपुणी का और जो आपका भट्टीनी है उसके माध्यम से रहा है देखना के चरित्र पर लगे कलंक को दूर करना भी रहा एंड जीवन की सार्थकता का प्रश्न उजागर करना भी इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य रहा है ठीक है रामचंद्र तिवारी क्या कहते हैं देखना उन्होंने बोला कि बाण भट्ट की आत्मकथा में स्वच्छंदतावाद के सभी तत्व जो है वो विद्यमान है तो यहां पर ये किससे जोड़ता है इसको स्वच्छंदतावाद की मुक्त तरीके से भाई इस आत्मकथा में सारी की सारी चीजें इसने मुक्त तरीके से जो बचाने का प्रयास किया है वस्तुतः वाण जो है वो क्या थे स्वच्छंद प्रवृत्ति के नायक हैं यहाँ से आपको याद रख लेना है देखना अगर बाणभट्ट के बारे में प्रश्न पूछा जाए कि इसका चरित्र किस प्रकार का रहा है तो ये आपको ये वाला कथन भी हेल्प कर सकता है कल्पना प्रियता स्वच्छंद प्रवृत्ति का नायक है कल्पना प्रियता भावावेग आदर्श प्रणय सौंदर्य प्रियता प्रकृति प्रेम रहस्य प्रियता विचित्रता और अलौकिकता के समावेश से यह कृति समावेशवाद की सभी विशेषताओं से युक्त तो हो गई है तो इसने सारी ही चीजें जो भी स्वच्छतावाद की विशेषताएं हैं देखना हमने पीछे क्या पढ़ा था जो छायावाद के समय में हमने स्वच्छतावाद भी पढ़ा था देखना द्विवेदी युग में जिसके जो प्रमुख लेखक श्रीधर पाठक रहे हैं उसके बारे में हमने जाना था तो वहां पर हमने जो कुछ विशेषताएं पढ़ी थी आप इन विशेषताओं को एक बार फिर से उसमें समाहित कर सकते हैं और ये सारी चीजें क्या है स्वच्छतावाद के अंतर्गत आ जाएंगी तो बाण भट्ट के बारे में भी ये कहता है कि वो भी स्वच्छंद रहा है और इस उपन्यास में आप देखते हैं कि मुक्त तरीके से सारी की सारी चीजें जो है वो चित्रित की गई है आगे जब हम इसकी समीक्षा के बारे में देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्टता के साथ ये चीज पता लग जाएगी और साथ ही साथ जो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे इनका जो मानवतावादी पक्ष है वो भी इस उपन्यास में आपको देखने को मिलता है कई बार आपको ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं देखना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये रूप से एक समीक्षक के तौर पर हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखते हैं और इनकी जो आलोचना है उसमें हम क्या देखते हैं उसमें हम मानवतावाद को ज्यादा देखते हैं ठीक है तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इस उपन्यास को पूरा करने के लिए या इस उपन्यास का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो है इसके जो प्रमुख पात्र वो कौन कौन से हैं तो यहां पर देखिए पात्रों की संख्या इसमें भी बहुत ज्यादा है मुख्य पात्रों को यहाँ पर ब्लैक कलर में लिखा गया है देखना अभी शायद आपको ये ब्लैक में ना दिख रहे हो लेकिन जब आप इसकी पीडीएफ बाद में देखेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएंगे इन पात्रों को आपको डेफिनेटली याद रखना है लास्ट टाइम भी यहाँ से पात्र से संबंधित ही प्रश्न पूछा गया था देखना और इस बार भी पूछा जा सकता है और दूसरी चीज ये भी ध्यान रख लेना है कि प्रमुख पात्रों से ज्यादा आपके लिए क्या है अब गौण पात्र हैं ये जरूरी है और इससे आपको लगभग चार पांच प्रश्न तो आप पात्रों से संबंधित ही पाते हैं कि किस एग्जाम में आपको ऐसे प्रश्न जो है वो जरूर पूछता है या तो ये मिलान के लिए पूछ लेते हैं या फिर आपको इनके आ, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से पात्र हैं इसमें और कौन से नहीं है ठीक हो गया तो यहां पर सबसे पहले देखिए इसके ऐतिहासिक पात्र जो है वैसे तो इसमें सिंपली आपको ये याद रख लेना है देखना माना यह जाता है कि जो आपका ये बाण भट्ट की आत्मकथा है इस उपन्यास में जो सिर्फ और सिर्फ कथानक है यानी कि जो स्टोरी है कथानक को हम क्या कहते हैं कथा वस्तु भी कहते हैं या वस्तु भी कहते हैं या फिर कथानक भी कहते हैं या फिर इसको हम कहेंगे कि एक, एक प्रकार से इसकी जो थीम है स्टोरी है वही क्या है वही इतिहास की पृष्ठभूमि से ली गई है यानी कि इतिहास से सिर्फ इसमें क्या ली गई है स्टोरी ली गई है और बाकी जो सब कुछ है वो कल्पना के आधार पर ही गढ़ा गया है ठीक है ये बात आपको याद रखनी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है जो आपकी कथा वस्तु है वो इसकी क्या है वो इतिहास पर है बाकी सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है बाकी सारी चीजें जो है इसमें आपको मिलेंगी काल्पनिकता के आधार पर ही ठीक है और याद रखने लायक बात यही आपके काम की है है ना तो यहां पर हम देखेंगे कि फिर भी इसमें कुछ इतिहास में जो पात्र थे जैसे तुवर मिलिंद हो गया सम्राट हर्षवर्धन हो गया और बाणभट्ट हो गया ये जो है इसके मुख्य पात्र हैं जिनका संबंध इतिहास से माना जाता है लेकिन इसके अलावा जो काल्पनिक और अन्य पात्र हैं वो मैंने एक साथ ही रखे हुए हैं देखना जो इतने ज्यादा जरूरी मतलब मुख्य भूमिका में नहीं है जरूरी है ये अब ठीक है एक समय क्या होता था कि आपको सिर्फ प्रसिद्ध पात्र ही पूछते थे लेकिन अब आप जो आपको ऐसे गौण पात्रों को भी देखना पड़ेगा ठीक है तो काल्पनिक पात्रों में देखिए जैसे भट्टिनी हो गया निपुणिका हो गया महामाया अघोर भैरव सुगत भट्ट वसुभूति है ना इन सबको आपको एक बार जरूर याद रखना है कि ये कौन कौन से पात्र रहे एक बार इनको खुद से देखिएगा देखिए हमने पिछली जो मैंने एक आपको प्रश्नोत्तरी बनाई थी उसमें धावक का नाम भी आया था तो धावक जो है ये इसी का ही पात्र है ये कवि है और बाण भट्ट का मित्र भी है ठीक है सुचरिता कौन है ये वीरती वज्र की पत्नी और निपुण का की एक सखी है ठीक है वीरती वज्र कौन है ये एक साधक है ठीक है वीरती वज्र जगह वीरती वज्र या वीरि वज्र वीरि बोलेंगे तो ज्यादा चलेगा ठीक है इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा जो काल्पनिक पात्र हैं ठीक है और छोटे महाराज इसमें कार आते हैं देखना वाभ्रव्य जो है उसका प्रहरी है चारुस्मिता है इसमें कृष्णवर्धन है जो कान्यकुब्ज साम्राज्य का महासंधि विग्रहक है ठीक है इसको भी याद रखिएगा एंड बाकी वेंकटेश भट्ट वगैरह वगैरह सारे जो नाम हैं इन्हें याद रखिए यहां से प्रश्न आ सकता है क्योंकि आपको पात्रों से संबंधित प्रश्न कहीं से भी किसी भी जगह से भी पूछा जा सकता है तो इसमें भी बहुत सारे पात्र हैं देखना इनको याद रखिएगा जितने भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल उपन्यास है ना उसमें पात्रों की कमी नहीं है तो यहाँ पर ये नाम आपके हौच पौज हो सकते हैं पर याद तो रखने पड़ेंगे ठीक है याद थोड़े बहुत रखने पड़ेंगे इसलिए थोड़ा थोड़ा इनको थोड़ा समझ के देखिएगा फिर अगर हम बात करें इसके मुख्य पात्र बाणभ की की चारित्रिक विशेषताएं हैं? हैं हैं कभी-कभार ऐसे पूछ लेते ना कि क्या-क्या चीजें इसमें। बाकी शुरुआत में ही आपको मैंने दिया था, देखना की का क्या हो जाएगा अपने आप में नायक हो जाएगा, वंश में ये जन्मा था याद रखिएगा एंड साथ ही साथ याद रखना है आपको इसके पिता थे चित्रभानु भट्ट अन्य नाम था इसका बंड बंड इसको क्यों कहा जाता था आ, मतलब बंड का मतलब क्या था मागधी बोली में तो वो याद रख लेना है आपका पूंछ काटा बैल लेकिन मूल नाम था दक्ष ये इसने स्वयं स्वीकार किया है और बाद में इसने बाण जो नाम है वो स्वयं इसने किया था संस्कृत में बाण हो जाएगा और मागधी में जो है वो बंड के नाम से ये जाने जाते थे ठीक है तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि जो पूरा का पूरा उपन्यास है उसमें बाण ने अपने ही जीवन की कथा कही है ठीक है ये बात यहाँ पर याद रखिएगा साथ ही साथ इसकी चारित्रिक विशेषताओं में भोलापन है प्रेमी है ये आदर्शवादी है और काव्य अनुरागी है यानी कि काव्य के साथ यानी कि साहित्य के प्रति इसका प्रेम जो है वो आपको देखने को मिलेगा तो काव्य अनुरागी काव्य प्लस अनुराग काव्य अनुराग ठीक है इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे है ना ये चीजें भी इसके पात्र इसके चरित्र में आपको याद रखनी है कि क्या क्या चीजें हैं भोलापन है प्रेमी है आदर्शवादी है है ना और साथ ही साथ जो है काव्य अनुरागी ये हो जाएगा आपका बाणभट। इसके अलावा अन्य जो पात्र हैं उनके बारे में आप खुद से देख लीजिएगा कि क्या क्या चीजें हैं देखना हालांकि कोई खास बात नहीं है जिससे आपको प्रश्न जो है वो पूछा जाए ठीक है लेकिन फिर भी याद रख लेने हैं आपको अन्य जो पात्र हैं, उन सबको ठीक है कौन किसका पति है कौन किसकी दोस्त है कौन किसकी प्रेमिका है ये सारी चीजें वैसे इसमें लिखी हुई हैं इनको आप एक बार जरूर देखिएगा ठीक है तो पात्र भी आ गए सामान्य परिचय भी आ गया उपन्यास का उपन्यास के उद्देश्य भी आ गए उपन्यास की समस्याएं भी आ गई इसके साथ साथ आपको अब याद रख लेना है उपन्यास के पात्र पात्रों के बाद कि इन्होंने किस घटना को किस उपन्यास को या किस कथा को अंजाम दिया या फिर इसके मूल में कौन सी चीज है तो यहां पर हम जानेंगे कि स्टोरी का जो मूल भाव है भाई वो क्या है मूल संवेदना क्या है इसमें इसको आप खुद भी पढ़ना चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं बिल्कुल संक्षिप्त रूप में यहाँ पर लिखी गई है देखना कि उपन्यास में बाण ने स्वयं की कथा कही है एक बार भटकते हुए स्थानवीश्वर स्थान है जगह का नाम जिसको थानेसर के नाम से भी जाना जाता है देखना इस नगर में ये पहुंच जाता है जहां उसकी भेंट किससे होती है निपुणिका से होती है अब ये इसलिए लिखा गया है यहाँ पर देखना एक तो आपको कथा का इसे भी मालूम हो जाएगा दूसरा आपको जो है इस कथा में आने वाली घटनाओं का पता भी लग जाएगा हालांकि अंत में मैंने घटनाएं यहाँ पर एक बार फिर से आपको अलग अलग करके रखी हुई है कि कुछ घटनाएं पहले हुई है कुछ बाद में हुई है क्योंकि इस तरीके का प्रश्न भी आपको पूछा जाता है देखना अब जो क्रमानुसार वाले प्रश्न में, न, में गट, है ना उनमें आपको मतलब ऐसी घटनाएं ही पूछी जाती हैं क्रम क्रम वाइज ऐसा नहीं पूछ जाएगा कि ये उपन्यासों को क्रमानुसार रखिए हालांकि कुछ एक प्रश्न ऐसे रहते हैं लेकिन ज्यादातर अब आपको जो है ऐसे ही आपको रखा गया है कि इन घटनाओं को क्रमवार लगाइए कि पहले से बाद की ओर जो है इनको रखिए तो यहां पर आपको ध्यान का रख लेना है कि पहले पहल क्या हुआ हुआश्वर स्थानवीश्वर है इस जगह का नाम देखना थानेसर नगर वहां पर ये पहुंचता है जहां इसकी भेंट निपुणिका से होती है तो यहाँ पर ये स्थान याद रख लेना जैसे आपने पीछे भी उपन्यास में पढ़ा किसी के उपन्यास के केंद्र में दिल्ली है किसी में मेरठ है किसी में जो है आपका ये बेलारी गांव है ठीक है सेमरी है ऐसी चीजें हैं तो उनको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कई बार इनको भी मिलान के लिए पूछते हैं ठीक है ये आप सब लोगों को पता है ऑलरेडी देखना इसको बताने की बात ही नहीं है इन छोटी छोटी चीजों को आपने नोट डाउन करते जाना है निपुणिका जो है वो बाण से भट्टनी निपुणिका बाणभट से भट्टनी यानी कि जो तुंवर मिलिंद की राजकन्या है इसको आजाद करवाने हेतु सहायता मांगती है ठीक है ये याद रख लेना है एंड साथ ही साथ दोनों इसमें सफल भी हो जाते हैं यहां पर ये याद रखिएगा कि जो निपुणिका है ये क्या करते हैं जो आपका मतलब बाण भट्ट से ये भटना भटनी को आजाद करवाती है किससे जो आपका ये एक लंपट होता है छोटे महाराज जो हमने पीछे पड़ा है देखना जिसके बारे में वो इसको क्या कर देता है इसको मतलब अपने पास रखता है ठीक है इसको भटनी को लेकिन तब जो है निपुणिका इससे कहती है उसे आजाद करना है और उसकी सहायता मांगती है और वो सहायता कर भी लेता है और ये दोनों उसमें सफल हो जाते हैं ठीक है और ये बंदी बना लेता है ना उसको ठीक है फिर उसके बाद क्या बोलता है यहाँ पर कि दोनों सफल भी होते हैं इसके बाद तीनों जो तीनों की भेंट किससे होती है आचार्य सुगत भट्ट से होती है सुगत भट्ट जो है ये भटनी की सहायता हेतु थानेसर राजवंश के कुमार कृष्णवर्धन को बुलवाते हैं लेकिन भटनी उनका सहयोग स्वीकार नहीं करती तो ये जाता है कि भाई वो इसको क्या करें इसकी सहायता करें जो कृष्णवर्धन है लेकिन भटनी जो है ऐसा मानने से क्या कर देती है इनकार कर देती है ठीक है तो ये बात आपको याद रख लेनी है और ये इसके आश्रय को भी स्वीकार नहीं करता हालांकि जो कृष्णवर्धन है ये भट्टिनी को अपनी बहन कहता है और राजवंश में हुई अनिति को समाप्त करने की प्रतिज्ञा भी करता है साथ ही साथ बाण भट्टनी बात भट जो होता है वो क्या करता है भट्टनी का सेवक बन जाता है और भट्टनी की रक्षा का जिम्मा स्वयं ही ले, ले लेता है ठीक है तो यहाँ पर यह भी आपको याद रखना है कि जो बाण भट्ट है वो फिर इसकी रक्षा का जिम्मा लेता है जबकि जो कृष्णवर्धन है वो भी क्या चाहता है कि वो भी इसकी सहायता करें लेकिन वो इनकार कर देती है पर फिर वो उसको अपनी बहन बनता है ठीक है ये याद रखना है आपको इसके बाद आगे चलती है स्टोरी थोड़ी सी उसमें क्या है जो है सिद्ध साधक अवधूत घोर अघोर भैरव और भैरवी महामाया के संपर्क में आता है जो दूसरी कथा है इसमें देखना किसकी भैरव और भैरवी यानी कि जो आपका अघोर भैरव है उसकी और महामाया की ठीक है तो इसको आपने याद रखना रखना है ठीक है इसको याद रखिए साथ ही साथ आपको क्या याद रख लेना है इनके संपर्क में आकर उनके उपदेशों से वो प्रभावित होते हैं ठीक है, है? बाण जो है इसके उपदेश से क्या होता है प्रभावित होता है कुमार कृष्णवर्धन भटनी को राज्य से सुरक्षित बाहर भेजने के लिए क्या करता है सैन्य जहाज का प्रबंध करता है ठीक है ओके क्या करता है कौन करता है इसको बाहर भेजने का जो कृष्णवर्धन है ये चाहता है कि भाई इसको बाहर भेजा जाए यहां से तो फिर क्या होता है जहाज पर निपुणिका बाण और भटनी तीनों सवार हो जाते हैं लेकिन यहां पर आप देखते हैं ये निपुणिका उससे प्रेम भी करने लग जाती है लेकिन बाण जो द्वारा उसके प्रेम को पूर्वक उपहास करने पर वह बाण को बिना बताए ही चली जाती है ठीक है बाण को निपुण निपोनि... बाण निपुणिका को खोजता है और न मिलने पर अपनी नाट्य मंडली को भंग कर लेता है ठीक है तो ये यह बात यहाँ पर याद रखिएगा कि कि जो की जो बाण की नाट्य मंडली में वो कार्य करती थी निपुणिका लेकिन जब वो उसके प्रेम का इजहार करती है तो उसको छोड़ के चल, वो मना कर देता है भाई और उसके बाद उसको छोड़ के चले जाती है लेकिन बाद में वो क्या होता है कि उसको खोजता फिरता है और न मिलने पर वो अपनी मंडली पर क्या होता है मंडली को ही भंग कर देता है लेकिन इससे पहले आप देखते हैं कि जब ये मार्ग में जा रहे होते हैं ना नाव पर तो वहां पर अभीर सामंत ईश्वर सेन के सैनिक क्या कर देते हैं इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं ठीक है ये बात याद रखनी है आपको देखना यहाँ पर कौन करते हैं ईश्वर सेन के सैनिक इन पर आक्रमण कर देते हैं भटनी गंगा के जल में कूद पड़ती है बाण और निपुणिका भी उसको बचाने के लिए कूदते हैं बाण किसी तरह भटनी को बचा लेता है किंतु तो निपुणिका अब इससे खो जाती है तो यहाँ पर दूसरी चीज क्या हो गई अब निपुणिका जो है वो इससे खो जाती है यहाँ पर फिर भट्टनी का जो जिक्र आता है महावराह का ठीक है ये इसमें केंद्र है महावराह की ये उपासना इसमें करती है ठीक है अब इसके बाद जो वज्र तीर्थ नामक शमशान घाट पर साधक अघोर घंट और साधिका चंदमंडा बाण की बलि देने की कोशिश करते हैं लेकिन समय पर आकर अघोर भैरव उसे बचा लेते हैं तो यहां पर ये स्टोरी इस तरीके से चल रही है देखना निपुणी का पुनः मिल जाती है भद्रेश्वर दुर्ग पर लोरिक देव नामक अभिर समंत उनकी रक्षा करता है कौन करता है भद्रेश्वर दुर्ग पर लोरिक देव नामक संत्र वहां बाण को पत्र मिलता है कि स्थानीयश्वर यानी कि थानेसर इसका अन्य नाम है थानेसर देखना ये याद रखिएगा इस जगह का नाम क्या है थानेसर ठीक है थानेसर के महाराज श्री हर्षदेव उनसे मिलना चाहते हैं थानेसर में बाण की भेंट निपुणिका की सखी सुचरिता से होती है महाराज जो है वैर भाव भुलाकर बाण को अपना सभा पंडित नियुक्त करते हैं ठीक है लेकिन यहां पर क्या हो जाता है कि जो आपका ये जब ये भद्रेश्वर दुर्ग लौटने पर निपुणी का बाण से मिलती है ठीक है भट्टनी है तो भट्टी थोड़ी सी निराश हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो इसका सभा पंडित नियुक्त तो हो तो दोनों इसके ऊपर वो क्या हो जाती है? क्रोधित हो जाती है कि उसने राजवंश का सभा पंडित होना क्यों स्वीकार किया है ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका ये बाण है ये अपने आप ही अपनी बुद्धि पर जो है आश्चर्यचकित होता है कि उसने ये काम ऐसे कैसे कर लिया और फिर वो भट्टी से क्षमा भी मांगता है और परिस्थिति वश भट्टी थाने सर जाने के लिए जो है वो तैयार हो जाती है ठीक है कि परिस्थितियों के वश जो है वो यहाँ पर याद हो जाती है किसकी सहायता से कृष्णवर्धन की मध्यस्थता यानी कि वो फिर इसमें बीच में इंटरफेयर करता है और उसकी वजह से जो है वो मतलब जो आपका हर्ष है देखना राजा हर्षदेव ये इसको क्या है पुनः सम्मान के साथ जो बुला, बुलावा भेजता है उसको और हालांकि ये कहती है उस बाण के पास कि तुम मुझे कहा कहीं भी ले जा पर मैं जो इनके यहाँ कान्हे कुर का राजवंश का आतिथ्य जो है वो स्वीकार नहीं करेगी ऐसा इसने कहा था कि मैं कान तो दोबारा नहीं जाऊंगी ठीक है ये बात याद रख लेनी है आपको तो ये कुछ एक स्टोरी रहेगी इसकी देखना इस तरीके से इसको आप खुद से पढ़िएगा एक बार मुख्य घटनाएं ये हैं इसमें बाकी यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद क्या है चारों तरफ मलिचों यानी कि हूरों हूणों के आक्रमण का भय व्याप्त हो जाता है ये चीज भाई आप याद रखें कि इस उपन्यास में जो मूल संवेदना में यानी कि इसकी जो कथा है उसमें आप क्या देखते हैं कि इसमें किसका आक्रमण बताया गया है हूणों का आक्रमण बताया गया है जिनको मलिच का इस्तेमाल भी यहाँ पर बताया गया है तो इनका भय व्याप्त हो जाता है भटनी बाण से युद्ध के स्थान पर शाश्वत शांति की स्थापना के प्रयत्न के लिए कहती है तो यहाँ पर देखिए युद्ध की अपेक्षा यहाँ पर शांति की बात की गई है तो एक और चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि महत्वपूर्ण है हर्षवर्धन और राजश्री से मिलकर भट्टनी प्रसन्न हो जाती है बाण का मित्र धावक उसे नगर की परिस्थितियों से अवगत करवाता है हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटिका यहाँ पर नाचिका हो गया इसको नाटिका कीजिएगा नाटिका रत्नावली रत्नावली का बाणभट्ट द्वारा मंचन किया जाता है ये भी आपको याद रख लेना है कि देखना कि इस उपन्यास में किस नाटिका की बात हुई है देखना तो याद रख लेना है हर्षवर्धन के द्वारा रचा गया जो नाटिका रही रत्नावली इसको जो है है के द्वारा क्या किया जाता है? मंचित भी किया जाता है नाटक में निपुणिका किसकी भूमिका अदा करती है वासवद्धता की भूमिका अदा करती है ये बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रख लेना है मंचन किसके द्वारा हुआ मंचन जो है वो बाण के द्वारा हुआ लेकिन निपुणिका जो है किसकी भूमिका में उतरी वासवदता की और अपना अभिनय समाप्त करते करते जीवन लीला भी समाप्त हो जाती है यह भी इसमें याद रखने वाली बात है बाण भट्ट और भट्टनी दुखी हो जाते हैं और अंत में आचार्य बाण को क्या करता है पुरुषपुर जाने की आज्ञा देते हैं और वह भटनी को भटनी से इस भावना के साथ दूर हो जाता है कि फिर क्या मिलना होगा इस प्रकार उपन्यास का अंत हो जाता है ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे ये इसकी जो मुख्य घटनाएं या आप यूं कहें कि एक छोटी सी समीक्षा है जिसके जरिए आपको इस उपन्यास को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है तो यही है आपका बाण भट्ट की आत्मकथा और इसकी मुख्य घटनाएं ठीक है।, है इन्हें आपको एक बार जरूर देखना है ठीक है बाकी अगर पूरा का पूरा उपन्यास कोई नहीं पढ़ पाया है तो डेफिनेटली अगर आप इन घटनाओं को इन इस समीक्षा को थोड़ा सा देखेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ कुछ चीजें पता लग जाएंगी ठीक है इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आगे जानेंगे इस उपन्यास के अब कथन कौन कौन से हैं, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बहुत सारे कथन है इसमें देखना। एक गोदान दूसरा आपका बाण भट्ट की आत्मकथा ये दोनों ही उपन्यास जो हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है इनको याद रखिएगा इसकी जो मुख्य कथन मतलब इसमें जो मुख्य कथन आए हैं उन्हें आपको याद रखना है बारी बारी से किसने किसको कहा था कथन ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है इसमें देखना और साथ ही साथ याद रख लेना है कि अधिकतर जो कुछ कथन इसमें बाण भट कैसे हैं, जो इसने किसी को नहीं कहे हैं बल्कि इसके स्वागत कथन हैं उन्हें भी आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज थोड़ी सी आप जरूर ध्यान दें है ना तो यहां पर लिखा है देखिए सबसे पहले कि भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहा होती है ठीक है तो ये बात याद रखिएगा तो इसको याद रखिएगा किसका है ये का है है ना ये बोल रहा है कि जो आने वाला जीवन है उसकी रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत नहीं होती है, अगर कोई भविष्य में ही गोते लगा रहा हो ठीक है तो यहां से आप कुछ ये भी कह सकते हैं कि इसमें कुछ नीतिगत कथन है जिस तरीके से हमने झूठा सच यशपाल के उपन्यासों में नीतिगत कथनों की बात की थी कि उसमें भी कुछ नीति परक कथन आए थे वैसे ही कथन यहाँ पर बाण के जरिए यहाँ पर महामाया के जरिए और भी बाथरों के जरिए जो है इसमें कहे गए हैं लज्जा तो तरणियों की स्वाभाविक अलंकार है यह भी बाणभट का ही है कथन है देखिए यहां पर बाबा आते हैं जब तक तुम पुरुष और स्त्री को भेद का भेद नहीं भूल जाते तब तक तुम अधूरे हो अपूर्ण हो आसक्त हो ये बाबा का कथन इसमें आता है ठीक है पुरुष निसंग है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है देखना ये पहले पूछा जा चुका है ये वाला कथन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो महामाया बाण से कहती है देखना ये कहती है कि पुरुष निसंग है स्त्री आसक्त है

कथन के जरिए आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसमें विषमता की भी बात की गई है ठीक है ये याद रख लेनी है आपको देखना और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें स्त्री और पुरुष में भेद की बात जो है वो बताई गई है मुख्य कथन ये रहेगा इसके अलावा अन्य जो कथन आते हैं देखना नारी को लेकर के ही महामाया का ही कथन है देखना नारी की सफलता पुरुष को बांधने में है और सार्थकता उसको मुक्त करने में है ये कह रहा है कि नारी तब सफल है जब वो पुरुष को बांधे मतलब अपने वश में रखती है और तक तक है उसे मुक्त कर देती है यानी कि एक नारी जो उसे मुक्ति से हम क्या समझते हैं कि उसको स्वच्छता प्रदान करना मतलब एक तरीके से ठीक है इन शॉर्ट आपको ये याद रख लेना है साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुल भ्रष्टा माना जाता है उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है ये बात लोग भूल जाते हैं तो यहाँ पर बाणभट्ट भी ऐसा ही कह रहा देखना ये भी जो स्त्री को महत्व देने की बात यहाँ पर इस उपन्यास में कही गई है देखना कि जिन स्त्रियों को चंचल और कुल भ्रष्टा माना जाता है उसमें एक दैवीय शक्ति होती है और अक्सर लोग जो है इस बात को भूलते हैं का ये कथन है मत कर देना क्योंकि महामाया स्त्री के संदर्भ में अभी बहुत सारे कथन जो है यहाँ पर इनके आने वाले हैं आगे देखना आगे महामाया भट्टिनी से क्या कहती है देखना जहां कहीं अपने आप को उत्सर्ग करने की अपने आप को खवा देने की भावना प्रधान है वहां नारी है तो यहाँ पर यह नारी के बारे में एक और कथन कहती है देखना कि मतलब अपने आप को उत्सर्ग करने के मतलब अपने आप को किसी दूसरे के लिए समर्पित कर देना क्या भाव जो है वो प्रधान है वो नारी है ठीक है ये बात कौन कह रही है महामाया कहती है आगे ये फिर से कहती है कि मृत्यु कब है माया है और फिर आता है अघोर भैरव जब बाण उनसे उपदेश लेते हैं देखना ये कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु जो है वो देवता है स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका दशमांश भी नहीं बता सकते बाण भट्ट कहते हैं ये बात भी मोस्ट है देखना कि एक स्त्री के दुख इतने ज्यादा गंभीर हैं कि उसके शब्द का दसवां अंश भी हम बयान नहीं कर सकते बाण के कथन तो बहुत ही अच्छे कथन इस उपन्यास में है आए, आए हैं ये परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं इन्हें आप एक बार जरूर देखिएगा ठीक है फिर कृष्णवर्धन भी बाण से क्या कहता है देखना कि लोक कल्याण प्रधान वस्तु है वह जिससे सत्यता हो वही सत्य है तो यहां पर जन कल्याण की बात भी हो रही है देखना इस उपन्यास में कृष्णवर्धन के माध्यम से ये कह रहा है कि प्रधान वस्तु क्या है वो जन कल्याण है लोक कल्याण है वह सद, जिससे सदता है वही सत्य है है ना ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है बाकी यहाँ पर बाणभट्ट कृष्णवर्धन से क्या कह रहे हैं ब्राह्मण न भिखारी होता है और न ही महासंधि विग्रहक वह धर्म का व्यवस्थाप, व्यवस्थापक होता है प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ब्राह्मण को जो धर्म का व्यवस्थापक किसने माना है तो याद रख लेना है ये बाणभट्ट ने माना था और बाणभ किसको ये उपदेश दे रहे हैं यहाँ पर ये को ये को बात बता जाने से लक्ष्मी घर्षिता नहीं होती चिंतियों के स्पर्श से कामधेनु अपमानित नहीं होती और चरित्रहीनों के बीच सरस्वती जो है वो कलंकित नहीं होती ठीक है ये बात यहां पर कौन कह रहे हैं बाण कह रहे हैं आगे अघोर भैरव का एक और कथन आता है डरना किसी से भी नहीं है गुरु से भी नहीं मंत्र से भी नहीं लोक से भी नहीं वेद से भी नहीं डरना चाहिए ठीक महामाया का कथन से नारी तपस्या संसार की भद्दी भूल है कि नारी को छोड़कर जो भाई कोई भी आप कार्य नहीं कर सकते वो एक भूल ही हो सकती है ये महामाया कहती तो महामाया के कथन मोस्ट हो रहे हैं देखना इनको याद रखिएगा अगला जो कथन है ये बाण का स्वागत यहाँ पर इस वाली स्लाइड में बाण भट के स्वागत कथन ही रखे गए हैं ठीक है आप इसका शीर्षक ऐसे भी दे सकते हैं कि इसने अपने आप से कौन कौन से कथन कहे हैं इन्हें आप एक बार जरूर देखिए इसने बोला स्नेह बड़ी दारुण वस्तु है ममता बड़ी प्रचंड शक्ति है चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है बुद्धिमान की नीति मौन होती है यहाँ पर भी उपदेशात्मक ही कथन है इसमें देखना ये आप ऐसे इनको याद रख सकते हैं ठीक है सीख दे रहे हैं हमें कोई ना कोई तो इसको याद रखिएगा ठीक है तो इन कथनों को देखिए इसके अलावा यहाँ पर अन्य कथन और आते हैं बहुत सारे कथन है संसार दुख है विरति वज्र अपनी माता से कहते हुए यौवन अंधा और दुर्ललित है उसमें अपूर्ण और नायक गुण भी हैं। सुचरिता बाण से कहती है जो वास्तव है उसको दबाना और जो अवास्तव है उसका आचरण करना यही तो अभिनय है निपुणिका कह रही है वो बाण से यहाँ पर निपुणिका के कुछ कथन है देखना इन्हें भी याद रखिएगा एक जगह निपुणिका के कथन आ रहे हैं एक जगह जो है आपके बाण के कथन आ रहे हैं एक जगह महा माया के कथन आ रहे हैं आप जो है इनको अलग करके भी रख सकते हैं याद क्योंकि अलग अलग से याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर एक जगह ही याद रखेंगे तो फिर ज्यादा मुश्किल होगी है ना आपको दृष्टि वाली बुक में भी बहुत सारे मिल जाएंगे कथन देखना आपको इसके बाहर भी मिल जाएंगे कथन तो वहां से भी आप इनको देख सकते हैं है ना जो जो भी बुक्स आपके पास हैं उनको देखिएगा अरियंत वाली बुक में भी थोड़े बहुत हैं लेकिन ज्यादा उसमें देखने को नहीं मिलेंगे आपको ठीक है आगे क्या कहते हैं आगे ये कहते हैं वैधभ्य से बड़ी व्यक्तता स्त्री के लिए और क्या हो सकती है विधवा मतलब होने से ठीक है प्रेम एक और अविभाज्य है उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देती है निपुणिका बाण से कह रही है मैं स्त्री के शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूं बाण भट्ट ये कहते हैं तो ये वाला जो कथन इसने कहा है देखना यहां पर इसके संदर्भ में इसके आप यूं भी कह सकते हैं कि इसके प्रत्युत्तर में जो निपुणिका रही है उसने एक और कथन कहा था इसके बाद कि तुम नारी को नारी देह को क्या मानते हैं देव मंदिर के समान मानते हो ठीक है ठीक है पर एक बार भी तुमने समझा होता कि ये मंदिर जो है वो हार्ड मास का है ईट चूने का नहीं ठीक है ये कथन किसका आता है यह है निपुणिका का इस प्रश्न के उत्तर प्रश्न नहीं सॉरी इस कथन के बाद इसने ये कथन कहा था कि तुम नारी देह को क्या मानते हो मंदिर के समान पवित्र मानते हो लेकिन तुमने कभी ये नहीं समझा या तुमने ये समझा होता कि मंदिर जो है वो हार्ड मास का है भाई इंट और चूने का ठीक है ये चीज यहाँ पर महत्वपूर्ण है देखना इसको याद रखिएगा ये निपुणिका ने इसके बाद कही बात का कथन कहा है ठीक है तो ये थे इस उपन्यास के जो प्रमुख प्रमुख कथन है जिन कथनों को आपको याद रखना है और इस पर गौर करना है इसके अलावा आपको बुक में भी कुछ कथन मिलेंगे उन्हें भी आप याद रखिएगा जो इसमें कॉमन आ रहे हैं उनको उतारने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है ठीक है इसके बाद हम आखिरी चीज देखेंगे इसमें वो कौन सी रहेगी ये है प्रमुख घटनाएं ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार क्या है इन घटनाओं को क्रम से पूछा जाता है ठीक है अब अगर घटनाएं क्रम से पूछी जाए तो फिर आपको कैसे ये याद रखनी है वो भी आपको पता होना चाहिए सर्वप्रथम आपको याद रख लेना है जैसे पहले पहल तो बाण के द्वारा अपने जीवन के बारे में बताया गया है मतलब अपना एक परिचय टाइप दिया गया है देखना और आप ये भी कह सकते हैं कि परिचय के साथ साथ जो ये इसकी स्टोरी रही है, है? उपन्यास बनने की है कि किस तरीके से जो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी थे उन्होंने बोला कि मैंने कथा को एक नए सिरे से जो है वो संपादित कर प्रकाशित करवाया था जो कैथराइन ने पहले कथा कही थी ना उसको ये बाद में कह रहा है कि मैंने अपने

तीसरे नंबर पर फिर बाण के द्वारा बताया गया है कि वो घूमते घूमते थाने से पहुंचता है और निपुणिका से उसकी भेंट हो जाती है फिर चौथे नंबर पर छोटे महाराज से भटनी को बाण व निपुणिका के द्वारा मुक्त करवाया जाता है छोटे महाराज से किसको भटनी को छोटे महाराज से इसको मुक्त करवाया जाता है निपुणिका और बाण के द्वारा बाण द्वारा भटनी की रक्षा की प्रतिज्ञा की जाती है और कृष्ण भट्ट द्वारा कृष्णवर्धन द्वारा भी भटनी के सम्मान की रक्षा की जाती है ठीक है यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इसे अपने बहन के रूप में भी स्वीकार करता है फिर उसके बाद आता है सिद्ध साधक अवधूत अघोर भैरव और भैरवी महामाया इसके द्वारा बाण को उपदेश दिया जाता है उसके बाद फिर भटनी भटनी के द्वारा महा की की उपासना की जाती है और निपुणिका दोनों के ही द्वारा आप याद रखेंगे की वर्धन की सहायता से बाण भटनी व निपुणिका को गंगा नदी से नाव द्वारा थानेसर सुरक्षित बाहर निकाला जाता है उसके बाद फिर अगली घटना इसमें क्या आती है नाव पर आक्रमण होता है और आक्रमण होने के बाद बाण के द्वारा भटनी के प्राणों को बचाया जाता है हर्षदेव के द्वारा बाण भट्ट को सभा पंडित नियुक्त करना किया जाता है लेकिन ये जब नियुक्ति या पद को स्वीकार करता है तो भटनी का उदास होना इसमें बताया गया है और निपुणिका उसके ऊपर क्रोधित हो जाती है ठीक है लेकिन बाद में जो है निपुणिका क्या हो जाती है वो निपुणिका नि भटनी जो है वो स्वीकार कर लेती है उसके बुलावे को ठीक है परिस्थितियों के बीच और किसकी सहायता से कृष्णवर्धन की मध्यस्थता से ठीक है सुचरिता और विरति विरति वज्र का इसमें प्रसंग आएगा बाद में फिर महामाया द्वारा नगर के लोगों के को विद्रोह हेतु आवाहन किया जाता है उसके अलावा भटनी के द्वारा भद्रेश्वर दुर्ग से थानेश्वर जाने को तैयार होना एंड थानेश्वर में कृष्णवर्धन हर्षदेव व राजेशी से मिलकर भटनी का हृदय प्रसन्न हो जाना यह भी इसमें बताया गया है लास्ट में आएगा बाण के प्रति निपुणिका के सात्विक प्रेम की पराकाष्ठा यहाँ पर कुछ गलतियां हुई है परिकाष्टा हो गया पराकाष्टा हो जाएगा हर्षदेव के द्वारा रचित नाटिका रत्नावली एक बार फिर से आए देखिए इसका मंचन और अभिनय करने हेतु निपुणिका का प्राणोत्सर्ग तो ये इसकी सारी की सारी जितने भी 18 20 घटनाएं हैं जो प्रत्येक प्रकरण से संबंधित ही हैं इनको आपने जरूर याद रख लेना है ठीक है यही इनका क्रम रहेगा इसकी जो मुख्य घटनाएं हैं इन्हें आप जरूर याद रखिएगा जो पहली हमने चार प्रारंभिक कथाएं रखी थी कि किस किस की कथा जो है इस उपन्यास में आती हैं इन कथाओं को आप एक बार जरूर देखिए बाकी आपको संपूर्ण तरीके से जो कथानक है यानी कि इस उपन्यास की जो कथा वस्तु है वो आपको जो है वो स्वयं ही याद रखनी है मतलब इसको पढ़ना पड़ेगा इसको थोड़ी सा आपको जानना पड़ेगा कि इस उपन्यास में क्या क्या चीजें हैं ठीक है, है? यहाँ पर आपका ये वाला उपन्यास जो है ये हो जाता है समाप्त और बाकी रही दूसरी जो चीज आपकी देखना कि आपके जो अन्य ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं वो कौन कौन से हैं वो मैंने आपको शुरुआत में बता दिए हैं तो उनको आप एक बार फिर से देखिएगा कि इसमें क्या क्या चीजें रहने वाली हैं पात्र इसके जरूरी हो सकते हैं कथन इसके महत्वपूर्ण हो सकते हैं कौन कौन सी कथाएं इसमें आई हैं वो इसमें जरूरी हो सकती हैं ठीक है, है? गौण पात्रों को जरूर देखना है क्योंकि वो पात्र इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है ठीक है जैसे उडुपति है बाणभट का चुचेरा भाई एक गौण पात्र है देखना भरभु शर्मा है एक मौखरियो और बाण भट्ट का गुरु माना जाता है इसको इसको आप याद रखिएगा भरव शर्मा ठीक है फिर एक शारविकल आता है इसमें देखना शार्विकल जो है ये उज्जैनी में अड्डा मालिक है ठीक है फिर चंडी देवी मंदिर का एक पुजारी आता है इसके कुछ एक गौण पात्र है जो हालांकि पीछे लिखे हुए हैं देखना लेकिन इनसे आपको प्रश्न जो है वो बन सकता है तो गौण पात्रों के बारे में ज्यादा अच्छे से पढ़ें मुख्य घटनाओं को एक बार जरूर देखें जो लास्ट की दो स्लाइड्स हैं ये आपके काम की हो सकती हैं कि शुरुआत कहां से हुई किस घटना से होती है और अंत जो है वो कैसे कैसे इस उपन्यास का होता है तो यहां पर जो जो आपका निपुणिका के प्राणोत्सर्ग से इसका अंत होता है है और साथ ही एक जो कथन आता है देखना उसको आप याद रखिएगा कौन सा कथन है कि फिर क्या मिलना होगा ये किसने कहा था जो बाण ने भटनी से कहा था जब वो उससे दूर हो जाता है और पुरुषपुर की ओर जाता है ठीक है तो यहाँ पर आप ऐसे करके इसके अंत को भी देखेंगे आपको प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है देखना कि किस उपन्यास का अंत इस वाक्य से होता है कि फिर क्या मिलना होगा ठीक है तो ऐसे करके आप इसको याद रखिएगा ये ये हो जाएगा आपका की तो आपका की आत्मकथा तो था पूरा पूरा का ऐतिहासिक पूरा उपन्यास में हमारे पाठ्यक्रम में शामिल बाण भट्ट की आत्मकथा उसके प्रमुख पात्र प्रमुख उसकी घटनाएं उसकी मूल कथा या मूल कथा की जो संवेदना है उसके बारे में साथ ही साथ आपको याद रखने हैं कि इसका अन्य उपन्यास कौन कौन से थे वो तीन ही उपन्यास हैं देखना उनको भी याद रखिए बाकी जो अन्य उपन्यासकार हैं वो आपके काम के इतने ज्यादा जरूरी नहीं है और अगर आप में से किसी ने कोई बात कहनी है और मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको रिकॉर्डेड में कौन सी चीज या कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसको चाहते हैं आप लोग कि वो रिकॉर्डेड साथ साथ में चलता रहे पर इसमें किसी ने कोई डिस्कशन नहीं की है ना ही व्हाट्सएप ग्रुप में की है और जो लोग रिकॉर्डेड अभी तक देख रहे हैं मतलब जो लाइव में नहीं आ रहे हैं अगर अभी तक इस क्लास को वो देख रहे होंगे तो उनके लिए भी यही रहेगा कि बीच में आप अपनी प्रेजेंस जो है वो जरूर देते रहें अपना फीडबैक भी देते रहें कि आप क्लासेस देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं ठीक है तभी जरूर मतलब ठीक रहेगा सबके लिए ना अदरवाइज ऐसे मजा नहीं आएगा ठीक है मीनाक्षी ओके हो गया चलिए आज थोड़ा सा लंबा था ये उपन्यास देखना इसलिए थोड़ी सी क्लास को तेज तेज करना पड़ा ठीक है तो बाकी आप इसको आराम से भी कर सकते हैं इस क्लास को बाद में रिकॉर्डेड में और इसको ज्यादा तेज भी देखना चाहते हैं तो स्पीड बढ़ा के भी आप इसको देख सकते हैं ओके ठीक है धीरज पेपर कब से है आपके सर बोले तो जुलाई में है बाकी पता नहीं अभी अच्छा चलिए अभी पहले उससे पहले आप अभी दे दीजिए इसको जो अभी आपका यूजीसी नेट का पेपर आएगा ठीक है इसको दीजिए आज है चौदह अच्छा नहीं बनाए चलिए कोई बात नहीं दिसंबर के लिए पढ़ते रहिए तब तक सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा तब तक रिवीजन भी हो जाएगा अगर लगातार करते रहेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा और सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा तो दिसंबर ठीक है जो लोग दिसंबर के लिए पढ़ रहे हैं पर जो अभी पढ़ रहे हैं देखना उनके लिए तो अब यही है कि उपन्यासों कहानियों नाटकों में ये आपकी मूल विषय वस्तुएं है उसके प्रमुख और गौण पात्र उनको जरूर पढ़िए उसकी मुख्य घटनाओं को पढ़िए तभी बात बनेगी अदरवाइज तो बात इसमें नहीं बनने वाली है देखना ठीक है तो इनको देखना है आपको एक बारी ये ये चीजें मीनाक्षी ने भी भरा है बनीता ने भी नहीं भरा होगा धीरज ने तो अभी नहीं भरा है तो धीरज एंड बनीता आप लोग ऐसा कीजिए दिसंबर के लिए जितने भी आप अभी तक पुरानी क्लासेस हुई हैं उनको देखिए नोट्स जो है वो खुद ही बनाते रहिए ठीक है जितना ज्यादा रहे अच्छा रहेगा आपके लिए जितना ज्यादा आप स्वयं जो है अपने नोट्स तैयार करते हैं तो ठीक है या मैनी सिलेबस कंप्लीट हो गया या नहीं पढ़ के नहीं हुआ अभी सर नौ तारीख का दिन क्या सर आपका नौ तारीख का दिन तो बहुत अच्छा था अच्छा था मतलब ठीक है सब लोगों ने अपना अपना पार्टिसिपेशन दी तो काफी बढ़िया रहा सबने प्यार स्नेह दिया तो अच्छा रहा आप, आपका भी ठीक रहा होगा जहां तक मुझे लगता है ठीक रहा था सर चलिए ठीक है हाँ कल बैठक थी फिर कुशांजली वालों की वो फिर उसमें मैं नहीं जा पाया था अब आपकी क्लास जो है वो लगातार होती रहेगी इसी समय होती रहेगी तो आप सब लोग जो है बाकियों को भी कहिए उनको भी क्लास में आने के लिए प्रेरित कीजिए कम लोगों के साथ क्लास लगाने का मजा फिर नहीं आता ज्यादा से ज्यादा ठीक है तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही बाकी मिलते हैं हम कल शाम को एक नए उपन्यास के साथ या नए टॉपिक के साथ आ, सीता कह रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ सर मेरा तो। अच्छा कोई बात नहीं जितना आपने पढ़ा है ना अभी अभी उससे काम चलाइए क्योंकि अब दो दिन में तो आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे अब आप जो है क्या करेंगे इन दो दिनों में इन दो दिनों में आपको सिंपली जो चीजें आपने पढ़ी है ना बस उस पर फोकस करना लास्ट का दिन छोड़ दीजिए सोलह तारीख में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको उस दिन क्योंकि एक दिन में आप पूरी दुनिया नहीं पलट सकते इधर से उधर बस आपके माइंड को रिलैक्स करने की जरूरत है और मैंने पहले ही कहा है आपको बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है देखना जिन जिन चीजों पर फोकस करना है वो मैंने आपको बता दिया हुआ है ठीक है कहानी नाटक उपन्यास ये आपके मुख्य मुख्य है ठीक है बाकी निबंधों से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते है ना और चौथे यूनिट को भी अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उसको भी मत देखिए कल का दिन ही है सिर्फ अच्छा कल का दिन है पंद्रवा सोलह को नहीं सत्रह को है कल का दिन है तो कल दिन को आप क्या कीजिए कल दिन को एक मॉक टेस्ट दे दीजिए बस तो तो दो, मतलब दो, उससे क्या होता है कि उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में मेरा कितना टाइम बच रहा है देखिए मैं इन शॉर्ट आपको एक बार फिर से बहुत आसान करके देता हूँ पहला पेपर तो चलिए ठीक है उसकी तैयारियां आपने अपने अपने हिसाब से की होगी उसमें आप मतलब 25 से 30 के बीच में ही होने चाहिए इससे कम आएंगे तो फिर समस्याएं हो सकती हैं पहले पेपर को छोड़ के हम दूसरे पेपर की तरफ बढ़ते हैं पहले जो सबसे आसान टॉपिक है इसमें मेरे हिसाब से जो आपको करना चाहिए दस नंबर जो सबसे पहले आते हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन के ठीक है जो आपको लास्ट में पैरा आता है देखना उसमें आपको छांटने के लिए क्वेश्चन आएंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है ये आराम से इसको कीजिए चाहे आप इसको टाइम ले लीजिए पर ये दस नंबर आपको कहीं नहीं भेजने हैं ठीक है इसमें ज्यादा से ज्यादा आपके दो क्वेश्चन गलत करने की गुंजाइश हो सकती है इससे ज्यादा नहीं ठीक है आठ क्वेश्चन इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट होने ही होने चाहिए जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे वो स्वाभाविक सी बात है और वो किसी को भी नहीं आते ठीक है जो चालीस आते हैं ना डायरेक्ट क्वेश्चन आपको उनमें से कुछ एक नहीं आएंगे तो लगभग आप तीस मान के चलिए कि ये हो गए तीस और आठ हो गए अठतीस इसके अलावा एक आता है आपको देखना और फिर आएंगे आपको ये क्रमानुसार वाले तो इसमें आपको कहानी उपन्यास नाटकों से ही आएंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको जो मैं बीस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं ना बीस क्वेश्चन तो आपको अठत्तीस बीस अट्ठावन इन्हीं तक पहुंचना है फिर आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो आपका नेट जो है वो डेफिनेटली हो जाना चाहिए बशर्ते आप जो है इन प्रश्नों में गलती ज्यादा ना करें ठीक है और इस पैराग्राफ में ज्यादा गलती ना करें स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चंस को सही तरीके से समझना है कोशिश मैंने की है आपको देखना इस बार बिल्कुल डिटेल से जैसे हम मतलब पेपर में आता है वैसे ही मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश भी की है पुराने पेपर में उसको देखना जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उसको अच्छे से समझिए पहली चीज स्थापना वाली बात अगर सही है तभी आप तर्क की तरफ अच्छे तरीके से जा सकते हैं कि तर्क में वो बात ठीक से कही गई है या नहीं कही गई कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज को हम स्थापना में कह रहे हैं ना वही चीज तर्क में देखती है तो काफी हद तक वो दोनों ही ठीक होने के आसार उसमें रहते हैं ठीक है अभी तो आपके पास कम टाइम है अब अगर एक काम और भी कर सकते थे आप जब मैंने अपना नेट फर्स्ट टाइम किया था तो मुझे कैसे मैंने कैसे किया था स्थापना तर्क वाले क्योंकि उस टाइम तो ज्यादा आते थे अब तो पांच से सात क्वेश्चन ही आते हैं इसमें देखना तो मैंने जितने भी पुराने थे ना उन सब को कर डाला था जितने भी पुराने स्थापना और तर्क के क्वेश्चन थे उन सब को सॉल्व कर डाला था और बार बार उनको करते 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 करते, करते फिर जो याद हो गए थे कि कुछ एक ऐसे भी है इसका आंसर ठीक है तो एक चीज वो करनी है फिर इसमें भी कुछ चीजें ऐसी आएंगी आपको देखना जो आपको मिलान के लिए आएंगी तो मिलान वाले दस क्वेश्चन है वहां से सात क्वेश्चन तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको पता होने ही चाहिए ठीक है तो वैसे करके आपका ये ग्राफ जो है वो लगभग फिफ्टी के ऊपर चला जाना चाहिए और नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो कुछ एक तो है आप आप जो है इसमें मतलब सबको अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आप जो है वो क्या कर सकते हैं मतलब उनको अटेम्प्ट कीजिए अगर ठीक लग गया तो ठीक नहीं लगा तो तब भी ठीक क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं तो ऐसे करके आपको इसको करना है ठीक है चलिए तो ये है ओके ऑल द वेरी बेस्ट कल की क्लास के लिए आप पढ़िए थोड़ा सा कल की क्लास के लिए क्या मतलब इस पेपर के लिए बाकी हम मिलेंगे अब कल शाम को ही तब तक सब लोगों से लेते हैं रुखसत और बाय किसी ने कोई कहना तो नहीं है कुछ वगैरह पूछते पूछते हैं हैं सर नेट में क्या पंक्तियां। पंक्तियां हो रचनाएं होंगी है ना वो सारी की सारी इसी में ही आ जाती है बाकी कुछ और प्रश्न आपको बनेंगे जैसे आलोचना वगैरह से संबंधित वो अलग से रहेंगे मतलब बाकी जो टेक्स्ट वाला सेक्शन है आपका पूरा का पूरा ठीक है उपन्यास कहा क्रम अनुसार के लिए आता है ना क्वेश्चन जैसे कहानी कहानी सेक्शन uh, है ना तो जिस जिस कवि मतलब जिस जिस कहानीकार की कहानियां दी होगी तो उस कहानीकार की पूरी कहानियां मतलब पढ़नी पढ़, मतलब वो प्रकाशन वर्ष देखना पड़ेगा मतलब उनका ही आएगा सर वो करने के लिए क्रम अनुसार देखिए अभी तो जिनकी आपको मतलब दोनों ही पढ़नी पड़ेंगी क्यों क्योंकि एक तरफ आपको जो स्पेसिफिक सोलह सत्रह कहानियां दी हुई है देखना वो तो आपको डेफिनेटली पढ़नी ही पड़ेंगी आपके पाठ्यक्रम में लेकिन जरूरी ये नहीं ये है कि आपको ये सत्रह ही पूछी जाएंगी आपको जो है अन्य कहानियां भी पूछी जा सकती है क्योंकि आपका जो यूनिट दो है ना उसमें आपको गद्य विधाओं में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो वहां पर तो जो सत्रह का मतलब जो सत्रह कहानियां काहन, होगी मतलब जितनी भी कहानियां यूनिट में होगी ना तो जो उनके कहानी कार होंगे ना तो उनकी पूरी कहानियां मतलब देखनी पड़ेगी सर वही नहीं जो उसमें लगी हुई है सिलेबस में मतलब उनकी सारी कहानियां पढ़नी पड़ेगी उसमें से कोई भी आ जाएगा क्रमानुसार के लिए यस yes, कई बार ऐसा भी पूछते हैं देखना की उनकी संपूर्ण कहानियां कितनी रही है संपूर्ण कहानी संग्रह कितने है वैसे वो हमने पढ़ लिए हैं जैसे प्रेमचंदी संबंधित हमारी क्लासेज हुई है या जो टेस्ट हमने लिए है वो सारी की सारी उसमें डिस्कस हुई है उनको आप देखिए शीर्षक लिखे हुए हैं देखना हर एक क्लास का जो टॉपिक लिखा हुआ है उसमें आप जाइए रिकॉर्डेड सेक्शन में वहां पर आपको मिल जाएगा और इतना ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये सत्रह कहानीकार ही पढ़ने हैं आपको जो है बाकी कहानीकारों का भी पता होना चाहिए हालांकि अभी हम उपन्यास पढ़ रहे हैं ना जिस तरीके से हमने अभी उपन्यास पढ़ रहे हैं देखिए हम प्रगतिवादी उपन्यास में ऐसा नहीं है कि सिर्फ झूठा सच को पढ़ा था हमने हमने उसके और उपन्यास भी पढ़े हमने बाकी उपन्यासकारों को भी पढ़ा पिछली वाली क्लास में तो वैसे करके आपको कहानियों में भी वही चीज याद रखनी है लेकिन ज्यादा नहीं ज्यादा फोकस किन पर क्यों हो जाएगा ये जो सत्रह कहानीकार है ना इन्हीं की कहानियों से ही आपको बीच बीच से प्रश्न बनेंगे जैसे मान लीजिए आपको परिंदे कहानी है उसकी मूल विषय वस्तु पूछा जा सकती है उसके जो पात्र पूछे जा सकते हैं उसमें क्या चीज है मतलब हर एक कहानी से आप देखेंगे दो दो क्वेश्चन बनते हैं और लगभग दस क्वेश्चन कहानी से दस क्वेश्चन उपन्यास से दस क्वेश्चन नाटक से ये तीन बड़ी विधाएं हैं देखना फिर आपके निबंध और आलोचना से प्रश्न आते हैं ये जरूर पढ़ना है निबंध आलोचना आलोचना दोनों मिलकर दस क्वेश्चन बनेंगे इनसे देखना ठीक है ये भले ही दो टॉपिक हैं लेकिन इन दोनों से मिलकर दस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं निबंधों से तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं निबंध और आलोचना से ठीक है फिर बाकी जो आपकी अन्य विधाएं हैं जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है उनके बारे में थोड़ा सा एक एक बार पढ़ सकते हैं लेकिन दिसंबर के लिए हम पूरा ये कंप्लीट कर लेंगे अभी तो फिलहाल हमारा उपन्यास तक हम पढ़े हैं पहुंचे हैं है ना तो अभी तो नहीं होगा पा, हो पाएगा पर दिसंबर के लिए हमारी कोशिश ये है कि अगले जून या जुलाई तक हम इसको जून ही सॉरी जून तो खत्म हो गया जुलाई एंड एंड तक हम पूरा आपका ये सिलेबस जो है वो कवर करके रख देंगे ठीक है तो ये देखिए आप अभी फिलहाल ठीक हो गया ओके सर चलिए ठीक है फिर मिलते हैं कल शाम ठीक पांच बजे नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ तब तक के लिए बाय बाय